नमस्कार, मैं रीता हूँ। मैं भारत के दिल्ली शहर में रहती हूँ। आज 3 दिन से मैं घर के अंदर हूँ। इसका ये मतलब नहीं सोचिएगा कि मैं बहुत डरपोक हूँ। आजकल कोरोना वायरस का प्रकोप जिस तरीके से फैल रहा है, उसी से कुछ प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। इसी वजह से मैं घर के अंदर हूँ। मैं यंग जनरेशन को कहूँगी कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि कोरोना वायरस आपका कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकता। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है इसी वजह से, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप सारा दुनिया घूम के घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। घर के अंदर आपका माता पिता है, बच्चे हैं। कोरोना वायरस आपसे उनमें फैलेगा। फैलने के बाद कुछ भी हो सकता है। मैं एक्चुअली टीवी देखी थी। टीवी में इसे दिखा रहा था कि ऑफिस में छुट्टी हो गया और यंग जनरेशन बाहर निकल के मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। हाँ, इसे बिल्कुल ही मत करिएगा प्लीज़। ये गलती इटाली ने भी करी थी। 4 मार्च को वहाँ पे जस्ट 4 और 5 मरीज, मतलब मरीज को दिखाई दिया। डेथ भी ऐसे ही हुआ था 4-5। सेकेंड स्टेज में मतलब 14 मार्च को वो बढ़ के 1500 हो गया। थर्ड स्टेज 19 मार्च को वो बढ़ के 15,000 हो गया। तो सोचिए, इटाली जैसे डेवलप्ड कंट्री में ये इतना जल्दी फैल सकता है तो हमारे देश में क्या होगा। वहाँ पे तो सोशल गैदरिंग इतना ज़्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ पे सोशल गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो सोशल गैदरिंग में जाने से बचिए। सोशल गैदरिंग बिल्कुल ही मत करिए। घर में रहिए, अपने आप को बचाइए। और सोचिए, हमारे यहाँ पे हमारे जनरेशन जो है, ये अगर ये सारे मेंटेन नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो सो बी केयरफुल यंग जनरेशन प्लीज़। और एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। उस अनुपात हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स नहीं है। तो अगर कोरोना वायरस फैलता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बहुत पैसा लगा के ये अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे अर्थनीति भी डाउन होगा। हमारे बॉर्डर में जो आर्मीज लोग हैं उनको वो काम छोड़ के, बॉर्डर छोड़ के हमारे यहाँ पे आके हमें बचाना पड़ेगा। इससे बॉर्डर में भी तनाव पैदा हो जाएगा। इटाली जो कि इतना डेवलप्ड है, वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से हॉस्पिटल्स और डॉक्टर बहुत ज़्यादा है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, कोरोना वायरस 12 घंटे तक जीवित रहता है। अगर कल यानी 22 मार्च को आप घर से ना निकले, आप घर के अंदर हो, तो ये वायरस फैलने से रोक सकते हैं हम लोग। कल 22 मार्च को प्रधानमंत्री का अपील के अनुसार आप लोग घर के अंदर रहिएगा प्लीज़। गवर्नमेंट को साथ दीजिए, प्रधानमंत्री का साथ दीजिए। और शाम 5 बजे अपने अपने बैल्कनी से कुछ भी ध्वनि का आवाज़ पैदा करें। ध्वनि पैदा करें मतलब शंख बजाइए, उल्लू धनी दे, कशर बजाइए, थाला बजाइए। जिससे भी आवाज़ निकालते हैं वैसे चीज़ों से आवाज़ निकालिए। आवाज़ से क्या होता है, ध्वनि से क्या होता है, जो हवा में भासमान वायरस होगा उसको नुकसान पहुंचाता है। फिर इससे वो मर भी सकता है, मतलब मर ही जाएगा। और इससे हम लोग अपने जो निर्लज स्वास्थ्यकर्मी या आर्मी, उन लोगों का हौसला भी पैदा कर सकेंगे। तो सो प्लीज़, कल शाम 5 बजे घर के बैल्कनी से शंख ध्वनि करिए, उल्लधनी करिए, अपने प्लेट्स बजाइए, घंटा बजाइए, ध्वनि का पैदा करें। जय हिंद।